और 8 दिन बाकी है विधानसभा चुनाव की, और अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई मैनिफेस्टो अभी तक नहीं दर्ज किया है। इससे पहले मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछूंगी कि राजनाथ सिंह जो बोलते हैं राज्यवासी के लिए वो एक मैनिफेस्टो की तरह ही है, तो 8 दिन बाकी है, तो राज्यवासी जो है हमारे त्रिपुरावासी उनके लिए आपका अपील क्या होगा? नहीं, सभी मैं त्रिपुरा राज्य के लोगों से अपील करूंगा कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी काम करते हुए लोगों ने देखा है, CPM की सरकार को काम करते हुए देखा है, कांग्रेस की सरकारों को भी लंबे समय तक काम करते हुए इस राज्य में देखा है। तीनों सरकारों के परफॉर्मेंस की यदि लोग तुलना करेंगे तो स्वाभाविक रूप से इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि इन तीनों पॉलिटिकल पार्टीज में गुड गवर्नेंस देने वाली, अच्छी सरकार देने वाली यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। और ऑल इंडिया लेवल पर भी लोग देख रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भारत की प्रतिष्ठा को, भारत की इज्जत को सारी दुनिया में बढ़ाने का काम किया है। आप बहुत बार भाषण में बोले हैं ज़्यादा से ज़्यादा सीट दर्ज करेंगे, तो सीट दर्ज करने में आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना, सीट आप लोग पकड़ के रख पाएंगे? मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ कि मोर देन टू थर्ड सीट्स पर बीजेपी को विजय प्राप्त होगी। थैंक यू सर।